जितना सरकारी स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे हैं 400, 800, 600, 700 क्लास इतने कम हैं, 8 क्लास है, 9 रूम है, 8 रूम है, 7 रूम है। और स्थिति यह है स्कूल और कॉलेज में कि 20% बच्ची के लिए मात्र शौचालय बना हुआ है। माननीय सदस्य, आप 6 बार मेंबर पार्लियामेंट हो ना? जी जी, 6 टाइम है ना। अब स्कूल का क्लासरूम तो उसका राज्य देखेगा, केंद्र देखेगा। आंगनबाड़ी के बारे में एक सोच बन गई है कि यहाँ अत्यंत पिछड़ा दलित आदिवासी खिचड़ी खाएंगे, आगे वो चले जाएंगे। आंगनबाड़ी की सेविका की ना तो उसका क्वालिटी है, ना कोई क्वांटिटी है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है। स्कूल के बच्चे खिचड़ी खाने के बाद 80% चले जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपको शिक्षक जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं उनमें और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं उनकी दोनों की गुणवत्ता, आपसे मेरा आग्रह है कि शिक्षक की गुणवत्ता को जब तक आप समय समय पर 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के अंदर 3 पीरियड के अंदर उसका एग्जामिनेशन या उसकी ट्रेनिंग पीरियड को आप नहीं लेंगे तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो बेहतर भविष्य उनकी सुरक्षित नहीं होगी। दो, तीसरी चीज, जितना सरकारी स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे हैं 400, 800, 600, 700 क्लास इतने कम हैं, 8 क्लास है, 9 रूम है, 8 रूम है, 7 रूम है। और स्थिति यह है स्कूल और कॉलेज में कि 20% बच्ची के लिए मात्र शौचालय बना हुआ है। पानी कहीं भी सरकारी स्कूल में। सदस्य, आप 6 बार मेंबर पार्लियामेंट हो ना? जी जी, 6 टाइम है ना। अब स्कूल का क्लासरूम तो उसका राज्य देखेगा, केंद्र देखेगा? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं केंद्र पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय नहीं लगा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मेरा वो है, मेरा कहना यह है कि जो बिहार या देश की जो सरकारी स्थिति है, आप भी आप सबसे ज़्यादा बिहार कोटा में बिहार जाते हैं पढ़ने के लिए, आपको पता है अध्यक्ष महोदय, और कोटा में अगले साल लगभग 600 से 700 बच्चे किस तरह डिप्रेस के चलते आत्महत्या किए हैं, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। और आप वहाँ गार्जियन बन के, हमने कई बार सारे संस्थाओं के चेयरमैन से मैंने बातचीत की है, डिप्रेस में चले जाते हैं। मेरा सबमिशन इस बात को लेकर के है कि बिहार के बंटवारे के बाद ना तो एक नेतरहाट खुली, ना तो सैनिक स्कूल खुला, ना ही केंद्रीय विश्वविद्यालय को तवज्जो मिली, ना जमीन मिली, ना नवोदय विद्यालय पर फोकस किया गया, ना सेंट्रल स्कूल पर फोकस किया गया, ना पंचायत में कस्तूरबा गांधी पर फोकस किया गया। बच्ची के लिए कोई सुविधा नहीं। हम लोगों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का मांग किया था पटना यूनिवर्सिटी को लेकर, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के द्वारा मोतिहारी में खुली, जिसका इतना अनैतिक है। शिक्षा मंत्री महोदय, मैं चाहूँगा कि हर परिस्थिति में वहाँ के जो विश्वविद्यालय के भिसी है उनकी पूरी कदाचार की जांच, जो मोतिहारी है उस पर, और पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाने का मेरा आपसे आग्रह हो रहा है। एक पूर्णिया में, पूर्णिया कोसी सीमांचल का पूरा दूसरा उपराजधानी, मैं पॉइंट पर दूसरी उपराजधानी है, मेरा मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा, दूसरी उपराजधानी है। क्या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूर्णिया कॉलेज को आप देखे हैं? दूसरा चीज है डीएलएड और बीएड, लगभग सरकारी कॉलेज में डीएलएड और बीएड को आपको खोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को बढ़ाने की जरूरत है उसमें। हम कस्बा में और जगह चाहते हैं, इंटर कॉलेज को हम चाहते हैं रुपौली, और साथ साथ हम चाहते हैं कोढ़ा। इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कम है, उसमें हम आगे आपसे आग्रह करेंगे। आंगनबाड़ी पर आपसे आग्रह यह है कि आंगनबाड़ी के बारे में एक सोच बन गई है कि यहाँ अत्यंत पिछड़ा दलित आदिवासी खिचड़ी खाएंगे, आगे वो चले जाएंगे। आंगनबाड़ी की सेविका की ना तो उसका क्वालिटी है, ना कोई क्वांटिटी है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है, और ना ही बच्चों को आने का कोई सुविधा है। मेरा आग्रह इतना है आपसे कि जो बच्चे जाएं, जो कॉलेज के बच्चे हैं लगभग कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, क्लास से बच्चे चले जाते हैं, स्कूल के बच्चे खिचड़ी खाने के बाद 80% चले जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो कोचिंग में चले जाते हैं। ये जैसे डीपीएस है, डीपीएस पर हाईकोर्ट ने कहा है, लास्ट कर रहा हूँ, हाईकोर्ट का आदेश है डीपीएस पैसा
बहुत ज्यादा लेता है, उसको रोक लगाया जाए, नहीं दिया जाए। डीपीएस के जो संस्थापक है वो लगातार गलत कर रहे हैं। अंत में अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड जी, अध्यक्ष महोदय एक सेकंड में खत्म मिनट में बात खत्म करिए तो। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड में, अध्यक्ष महोदय एक सेकंड में, एक सेकंड। यूपीएससी पीपीएससी या एसएससी का जो एग्जाम होता है, एग्जाम में एग्जाम के बाद उसके जो रिजल्ट है वो 3 महीना 4 महीना बाद क्यों? इससे बच्चे के भीतर डर है कि हमारी हेरा फेरी होती है। मैं चाहता हूँ जिसका फॉर्म भरा जाए बच्चे का यूपीएससी बीपीएससी एसएससी या कोई भी ऐसी कंपटीशन में, उसका एग्जाम हो और 15 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट निकाला जाए। रिजल्ट निकाल कर उसकी ज्वाइनिंग की व्यवस्था की जाए।